Hello friends, welcome back to Car Energy with one more video of Creta BSX. This car is a brand new car. अभी शोरूम से मंदिर और मंदिर के बाद मेरे पास आई है. मात्र 54 किलोमीटर चली है. दिस इज़ क्रेटा BSX. आप ये देखेंगे, हम जैसे ही हम दरवाज़ा खोलते हैं ये सामने आपका लिखा हुआ आएगा 54 किलोमीटर ओनली. दिस इज़ ओनली 54 किलोमीटर. चलो, इसमें जो किट लगाया हमने, दिस इज़ मोटोजेन BSX 8 इंजेक्टर किट है भाई साहब. एक बार फिटिंग देखो आप, मज़ा आ जाएगा. आपको लगेगा जैसे ह्यूंडई ने खुद लगा के दिया. जस्ट सी द ओवरव्यू ऑफ द फिटिंग. ये इनका फिलिंग वाल्व है, यहाँ से गैस फिल होगी. इनका साइड फिलिंग वाल्व भी दिया हूँ, वो भी दिखाऊँगा. ये रिड्यूसर है डबल स्टेज का. ये मैंने एक्स्ट्रा फिल्टर लगाया है, यहाँ से गैस फिल होगी. सॉरी, यहाँ फिल्टर होगा. और ये आपका 8 इंजेक्टर है. ये आपका ECM है, 8 इंजेक्टर ECM. इनका जो वायरिंग करके दिया हूँ मैं, सारा वायरिंग स्पायरल ट्यूबिंग में प्रॉपर. डायनेमिक एडवांसर लगाए, ये मस्ट है. ये लगने के बाद मैं चैलेंज लेता हूँ गाड़ी पेट्रोल, और पेट्रोल से भी बेहतर. और सारी वायरिंग स्पायरल ट्यूबिंग में प्रॉपर स्लीट. दिस इज़ द क्वालिटी व्हाई पीपल हैव अ ट्रस्ट. और ये जो भाई है, इनकी नाना करके ये 10वीं 12वीं गाड़ी है जिसमें हम किट लगा रहे हैं. इनका ट्रस्ट इतना है कि शोरूम से मंदिर और मंदिर से सीधा हमारे पास. और मात्र 54 किलोमीटर्स गाड़ी चली है. मैं एक बार दोबारा से आपको फिटिंग दिखाता हूँ. जितने भी क्रेटा वाले भाई हैं, आप ध्यान से देखो. ये फिलिंग वाल्व है, यहाँ से गैस फिल होगी. ये रिड्यूसर है डबल स्टेज का, थोड़ा दूर दूर से. ये फिल्टर है. और ये आपका इंजेक्टर है. ये आपका 8 इंजेक्टर ECU है. और ये मेड इन इटली है, AB कंपनी का है, मेड इन इटली. थोड़ा सा ऊपर से. और वायरिंग जो सारा करके दिया हूँ मैं, सारा स्पायरल ट्यूबिंग में है, प्रॉपर स्लीव्ड. डायनेमिक एडवांसर लगाया है. और वायरिंग सारा स्पायरल ट्यूबिंग में है प्रॉपर. दिस इज़ द क्वालिटी. इनका साइड फिलिंग वाल लगाया हूँ, वो भी. ये इनका वह कंपनी का जेन्युइन साइड फिलिंग वाल लगाया हूँ. बार बार बोनेट खोलने की ज़रूरत नहीं है. ये थोड़ा सा साफ चला. दिस इज़ ह्यूंडई क्रेटा BSX. और जस्ट सी दिस भाई, पूरा स्पेस है. आपका रबर ग्रिप मोल्डेड पाइप स्टैंड, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द स्पेस इज दैट टू कीप योर लगेज. रबर ग्रिप मोल्डेड पाइप स्टैंड. नीचे आपको दिखाता हूँ मैं स्टेपनी. एक मिनट देखो आप, ये नीचे आपका स्टेपनी है. ये आपका मोल्डेड पाइप स्टैंड, TVS नायलन लॉक नट बोल्ट, सब कुछ जो मेरा क्वालिटी है. डक्टिंग इसलिए लगाता हूँ कभी एक्सेस गैस आए तो यहाँ से डक्ट से गाड़ी के बाहर हो जाए. ये दोनों तरफ डक्टिंग लगाया हूँ मैं. अल्टीमेट सुपर. आई टेक द रिव्यू फ्रॉम द ओनर ऑफ द कार. एक बार चलेंगे, ट्रायल लेंगे और कस्टमर से रिव्यू लेके दूंगा मैं. ह्यूंडई क्रेटा BSX, अ ब्रांड न्यू कार भाई. मात्र 54 किलोमीटर चल के गाड़ी आई है. बिल्कुल, मतलब शोरूम से मंदिर, और मंदिर से सीधा आया. बिल्कुल. और ये ऐसा ट्रस्ट क्यों है, ऐसा ट्रस्ट क्यों है? ये मेरी शायद पहली दूसरी गाड़ी नहीं है, मैं आपके पास 11वीं गाड़ी होगी. आई थिंक 3-4 साल के अंदर. बिल्कुल बिल्कुल. जो मुश्किल से, मतलब कहते हैं लोग फर्स्ट सर्विस कराओ या सेकंड कराओ उसके बाद चलाओ, ऐसा कुछ नहीं है. आजकल कंपनी से ही इंजन रमा हुआ आता है, जो मेरा बिलीव है. बिल्कुल बिल्कुल. मैंने आते ही सीधा मंदिर के पास, शायद आपके पास ही हमेशा भेजी अपनी गाड़ी. फिर भी सबको एडवाइस करता हूँ कि वारंटी वॉइड हो जाता है, तो सबको मैं एडवाइस करता हूँ केवल 1000 किलोमीटर चलाओ, ताकि कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो तो आप वारंटी ले सकते हो. बिल्कुल. लेकिन आप, मतलब इतना जल्दी क्यों? अब ये तो भगवान जाने. किस्मत का ही लक मान सकता हूँ कि मैं हमेशा आया और मेरी चीज़ सही मिली मुझे. सही. वैसे कुछ नहीं बिगड़ेगा. मैं सबको कहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कुछ नहीं बिगड़ता CNG लगने के बाद. वारंटी वॉइड होता होने दो, 5-6 साल गाड़ी को कुछ नहीं होता. बिल्कुल. और CNG कभी नुकसान नहीं देगा. 50% सेविंग्स है. और मेरा जो हाथ की लगी हुई किट है, मैं हमेशा कहता हूँ विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़ सेव मनी, विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़. गाड़ी की पिकअप कैसा रहा? गाड़ी का बहुत बढ़िया, पता ही नहीं लग रहा कि पेट्रोल पे चला रहा हूँ मैं या CNG पे. फिटिंग दिखाया हूँ कैसा? फिटिंग
मतलब अगर मैं किसी को दिखाओगे वो यही कहेगा कि फिटिंग कहाँ से करा कि भाई क्वालिटी कंपनी फिटेड तो नहीं है। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ वही कहेगा। बिल्कुल बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा कि ये मैंने बाहर से फिट कराई है। बिल्कुल चलो गाड़ी चलाओ मज़ा आ जाएगा सौरभ जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू।